जब हम सबसे पावरफुल पोकेमोनों की बात करते हैं तो यार बहुत सारे नामों में से एक नाम म्यूटू का भी आता है, और आएगा भी क्यों नहीं यार, वो है पावरफुल और अपने दिल में ही बसा है वो। और म्यूटू के बारे में हम ये तो जानते हैं कि उसके दो मेगा एवोल्यूशंस और है, मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई। पर क्या तुम्हें पता था कि म्यूटू का एक दूसरा फॉर्म भी है? हाँ यार, हम बात करने वाले हैं म्यूटू के एक और फॉर्म के बारे में जिसका नाम है शैडो म्यूटू। अब मैं पहले से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यार, जिससे कोई डाउट ना रहे, ये कोई ऑफिशियल पोकेमॉन नहीं है, ये बस एक गेम में आया हुआ है जिसका नाम है पोकेन टूर्नामेंट, और मे बी तुम लोगों ने पोकेन टूर्नामेंट के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये ना तो किसी मूवी में दिखाया गया है और ना ही किसी एपिसोड में आया है और ना ही किसी ऑफिशियल जो कि पोकेन गेम मतलब स्टोरी बेस्ड गेम्स जो होते हैं उसमें से किसी में भी नहीं आया है। पर फिर भी मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि पोके फैन होने के नाते तो मैं इस पोकेमॉन के बारे में पता होना ही चाहिए। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि पोकेन टूर्नामेंट में कैसे इसकी कहानी चालू थी। तो हमारी नॉर्मल स्टोरी लाइन चल रही होती है और अचानक से एक शैडो म्यूटू अपीयर होता है और वो अपने किसी सिनर्जी लेवल की वजह से उस एरिया को सीज कर लेता है और हमारी बैटल चालू हो जाती है उससे। अब जहां तक स्टोरी के हिसाब से है तो बहुत सारे ट्रेनर्स हारते हैं पर काफी सारे ट्रेनर्स जीत भी जाते हैं, खैर वो तो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से उसे लड़ते हैं। पर बाद में धीरे धीरे हमें पता चलता है, जैसे जैसे हम लोग लीग की तरफ बढ़ते जाते हैं हमें पता चलता है कि वो एक ट्रेनर का म्यूटू है जिसने उसको कब्जे में कर रखा है। तो वो म्यूटू नॉर्मल ही, पर उसने कुछ ऐसा किया है लड़की ने जिससे वो म्यूटू अपना फॉर्म चेंज करके वो कुछ शैडो म्यूटू बन जाता है। तो उसने सिनर्जी स्टोन का इस्तेमाल किया था और हमें उसको बचाना था उस सिनर्जी स्टोन से। तो उसमें तो हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं पोकेन टूर्नामेंट में, और ऐसे ही कुछ स्टोरी के बीच में फिट कर दिया था पोकेन टूर्नामेंट के अंदर शैडो म्यूटू को। पर यार इतने से कॉन्टेंट से अगर पोके फैन मान जाए तो वो पोके फैन किस बात के यार। तभी थ्योरीज बनना चालू हो गई कि यार ये बना कैसे होगा शैडो म्यूटू, इसको बनाया किसने, ये कहां से आया। तो देखो पोकेन टूर्नामेंट के हिसाब से उस लड़की ने एक नॉर्मल म्यूटू पे कब्जा कर रखा था, पर थोड़ा दिमाग अपने पोके फैन भी चलाते हैं। उन्होंने बोला कि जब मिस्टर फूजी जो कि साइंटिस्ट जिनको माना जाता है जिन्होंने म्यूटू को क्रिएट किया था, जब वो बना रहे थे म्यूटू को तो उनको अपना खुद का डीएनए भी देना पड़ा था। तो थोड़ा बहुत डीएनए आया था म्यू का, थोड़ा बहुत डीएनए आया था उनका, और उनके डीएनए में कुछ मेल फंक्शन हो गया था, उनके डीएनए से जो सैंपल आया था उसमें, और म्यूटू वो कुछ और बनाना चाहते थे, बन गया कुछ और। अब उनको लगा रिजेक्टेड सैंपल है तो उसको फेंक दिया, पर बाहर से उसकी ताकत दिखाई नहीं दी, उसकी जो डार्क साइड है ना उसका दिखाई नहीं दिया बाहर से, और फिर भी उसको जेल में बंद कर दिया, मतलब उसको एक तरह से कैप्चर कर दिया। पर वो किसी तरह से एस्केप कर जाता है, पर उनको ज़्यादा थ्रेट नहीं रहता है क्योंकि उनको लगता है कि ये तो रिजेक्टेड सैंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत वीक है। पर धीरे धीरे वो अकेले ट्रेनिंग करके अपना स्ट्रांग बनाता है खुद को, और वो इतना स्ट्रांग बन जाता है कि वो खुद मेगा इवॉल्व होने की उसमें पावर आ जाती है, वो खुद मेगा इवॉल्व हो सकता है। और मैं तुम्हें थोड़ी पिक्चर्स दिखाता हूँ पोकेन टूर्नामेंट की, जिसमें तुम देख सकते हो कि मेगा म्यूटू एक्स की तरह बना हुआ है और ये तबाही मचा रहा है। उसके बाद कई सालों बाद एक और आए साइंटिस्ट जो बहुत काम थे, कूल थे, और जब उन्होंने अपना डीएनए दिया तो ऑफकोर्स वो काम और कूल ही निकला, और वो साइंटिस्ट था जो टीम रॉकेट के लिए काम कर रहा था, और फिर वो म्यूटू हो गया टीम रॉकेट का। और उसके बाद तुम जानते हो कि क्या हुआ था, जिम्स में उसको यूज़ किया गया था, बहुत बुरे काम के लिए उसको यूज़ किया गया था। मैं सही बताऊं तो यार ये थ्योरी मुझे वो पोकेन टूर्नामेंट वाली स्टोरी से भी ज़्यादा मज़ेदार लगी। हो भी सकता है, पता है ऐसा हो भी सकता है। अब देखो क्योंकि पोकेन टूर्नामेंट में वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया था कि शैडो म्यूटू कहां से आया, तो बहुत ज़्यादा थ्योरी इस पर नहीं बनी, ज़्यादातर जो भी बनी वो इससे रिलेटेड ही थी जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें थोड़ा मिक्सअप करके बता दिया। तो तुम्हें क्या लगता है यार, असल में आ सकता है क्या शैडो म्यूटू? मुझे लगता है यार कि उनको लाना चाहिए, अगर एनिमे में आए या फिर कोई मूवी बने ना उसके ऊपर से अलग से तो मज़ा आ जाएगा। वैसे यार एपिसोड्स में क्यों ही लाएंगे यार, इतना खतरनाक पोकेमॉन है तो उसके ऊपर मूवी बननी चाहिए, वो डिजर्व करता है मूवी बनना, या फिर किसी गेम में जो कि स्टोरी बेस्ड गेम होता है ना पोकेमॉन के, उनमें भी अगर आ जाए शैडो म्यूटू तो मज़ा ही आ जाएगा। खैर जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं वो सब तुम मुझे कॉमेंट्स में बता देना, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना, शैडो म्यूटू के लिए लाइक तो बनता ही बनता है। और अगर तुम म्यूटू के फैन हो तो यार वैसे बोलने की भी जरूरत नहीं है लाइक मारने को, एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए। और अगर तुम नए हो तो पोकी फैन हो यार, तुम अपने आप सब्सक्राइब कर दोगे यार, क्या बोलना, पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है बोलने का। तो यार यहाँ पर पोकेमॉन की थ्योरीज आती रहती हैं, और एक्चुअली हम लोग कुछ गेम्स भी खेलते हैं यहाँ पर पोकेमॉन के भी और वैसे भी, तो अगर तुम देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो जाकर। और अगर तुम चाहो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर तुम पोकेमॉन भी खेल सकते हो, गाने वाने सुनो, मजे मारो यार। पर अभी तक लिए इतना ही, आई होप यू गाइस एंजॉयड, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।